यूत मताल मत खाली बिजली कर माकूर इत बिजली बाकी तुम कटव चुटूट गंड गंटा तुम कटवती अगर वो सू पावर अस दिन तेल अपील गवर्नमेंटस तुम दिन पोल अच्छा पोल वोल जरूरत कह वन अल जरूरत कह क्या नी पावर अस बराबर जिम जिम कटवती जो गंटे तुम चटन तुम अगर तुम तुम चटन पावर दिन अस वन मेहरबानी कर पोल वोल अच्छा जरूरत अच्छी थोम गवर्नमेंट एम्बुलेंस सत्युस एम्बुलेंस गुलमर्ग अस खास कर अब्बास सबन एम्बुलेंस दिम बिल्कुल हल्के हाजी बल खतर सोस तेमिस पन्नो फंडो मस थायन या मगर बदकस्मती से छसा गुलमर्ग सु क्या फायदा है हमें इसका कोई फायदा ही नहीं है ब्रो हत वोट ब मगर ये प्रॉब्लम आई ना आसी जा आज गई जुवरी आसी ज्यादा तूफान चला अशुन चोंग रेती वान दोन मिनटन अति सटान आथा ना फाल्ट फाल्ट छुन आसा कहीं सही सोन अग पावर ई पावर हन बराबर त्रावन अस रोज पन्नस टाइम आ पता मन कटवती घंट ग मगर असान चौव घंट अव घंट ग दोन मिनट ना शड्यूल नी अलबत हूँ पत् वल सा पैसा रोप भर बे त्रेगन सो नोन हिसाबा ना कह त्रेगन से वनस गवर्नमेंट से वाना आज लुक से खुश वाले क्या जो तमाम फैसिलिटी में क्या ना आज मान से फैसिलिटी है के आज कुछ चीज है ना जो पोल ये मौका पे चुक पकना में तार और जो वहां पोल अशन पाई लगा का संग कुछ ना जो तार ना जो का चीज पांच किन वरी पर वाला पोल दे पोल चीन दे वाज की मतलब जो भूमि पर तार जो हो चला भूमि पर हो जो भूमि पर पांच नजर तो वो मेयर का मास क्या दलील बस पावर है पावर अशन पावर अशन पावर टोटल की टोटल ने की खाली पावर बस मीटर ना मीटर लगे पावर टोटल टोटल अब्दुल रशीद बहुत ये बसान बदकस्मती चीज गवर्नमेंटन तार दार सालम खस्ता हाल ग अंद हे तार गस्ता अमे वह गवर्नमेंटन दुमुत ठेक मगर बदकस्मती सन तुम ठेकदार तार दिवान यह तार यु पावर गंड सह पे वह तार पे वह गवर्नमेंटस सीधा करा मेहरबानी मेहरबानी कर दू स तार तार दिन दू ठेकदार दू तार सक तार हे सो वित कम से कम अस पावर दिवान पावर युत पावर गंड तुथ पे वह सुबह घंटन मे पावर अगर आव त्रे घंटे शड्यूल थाना पांच बजे टू ठ बजे या ठ बजे टू कह बजे मगर बदकस्मती से डोड घंट या घंटस पावर या जो घंटे पावर सवान मज मे अहन आव दहन मिनटन यी वहन मिनटन छन दहन मिनट यी वहन मिनटन छन मगर शड्यूल हिसाब से पावर खास कर खास कर खास कर वन बहुत कि इन दिन ओत गुलमर्ग खेल चलान तिमन दिन आव टोटल अस पावर कह वन यह छो पावर क्या यह छोन पावर मगर अस लुकन कहें प्रशिशन कहें प्रशिशन अच्छा युत योत मसल कह मसल पावर तुम मसल रोड ये कि गवर्नमेंट दिवान जो लक्ष दाख रेतस तनखा तिम नफर इम अत रोडस तुम रोड खस्ता हाल क्या गुम कुन जाए मामु लाइन यह ना ड्रेन मन जाए जाए ड्रेन दी तम जाए दिवान ड्रेन कहें ये दिन रसूकस पे दिन तुम्हें जाए इन जाए जरूरत हेल्थ सेंटर सही अच्छी गो हेल्थ सेंटर हेल्थ सेंटर दुत योर तथ कृषि ईद आवाम वन तथ मे सह ना बदकस्मती सब सेंटर हेल्थ सेंटर गया तथ मज ग नफर आज तोत ग कह बिल्डिंग तमिस बन अत ग खसान वन बिजली के नाकस इंतजामिया से लोग परेशान। इस वक्त हम मौजूद है इलाका टंगमर के हाजीपल एरिया में, वोइलू गांव है जहां पर लोग आज सरापा एहतजाज है बिजली के नाकस इंतजामिया से। क्यों? जहां एक तरफ से गवर्नमेंट बार बार दावे कर रहे हैं कि
गवर्नर रूल्स लागू होने के साथ साथ कश्मीर में खुशहाली हुई, तरक्की हुई, लेकिन फिर भी ये लोग परेशान क्यों है? ग्राउंड लेवल पे जब भी हम देखते हैं तो गवर्नमेंट के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। लोगों का यहाँ पर साफ साफ कहना है कि पिछले 40 सालों की उम्र में हमने कभी ऐसी बिजली की नाकस सूरत हालत नहीं देखी है। बिजली के साथ साथ भी इनके कुछ दीगर मसाइल है, खासकर रोड कनेक्टिविटीज के हवाले से, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का नारा था, घर घर रोड जाएगा, हर एक मोहल्ले को रोड कनेक्टिविटीज होगी। लेकिन आज यहाँ के लोग रोडों के हवाले से भी परेशान है। लोगों ने यहाँ पर एक और इल्जाम भी लगाया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के ऊपर कि अगर MLA फंड से एक एम्बुलेंस यहाँ के लिए लाई गई थी, वो भी आज इस गांव, इस इलाके में फंक्शनल नहीं है, बल्कि इसको VIP की खिदमत अंजाम देने के लिए गुलमर्ग में रखा गया है, और यहाँ के लोग एक एम्बुलेंस के लिए भी परेशान है। ये सरकार के लिए एक बदनामी दाग है, सरकार को सोचना चाहिए। हमने भी सरकार चलाई है, मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हूँ। हमारे वक्त में डॉक्टर फारूक साहब ने गैस टर्बाइन लगाया था लोगों की सहूलियत के लिए, ठीक वो कॉस्टली पड़ता था, मगर लोगों को इतना गटकार नहीं था कि अब बिजली नहीं आ जाएगी। ये इनके लिए सवाल या निशान है कि उनको सोचना समझना चाहिए। सिर्फ फीस पर ही सब कुछ, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ स्कीम लगानी चाहिए, उनको सब्सिडाइज करना चाहिए, ताकि लोगों में ये बात वो आ जाए। शुक्रिया जनाब, आप यहाँ तक आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने एक प्रोग्राम बनाया, हम बिल्कुल गाँव से चलते हैं, गाँव में गाँव के लोगों से मिलते हैं, और जो यहाँ की मुश्किलात हैं उनका अजाला करने के लिए हम हर एक कोशिश करेंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना पड़ेगा, चाहे और बाकी कोई भी फोरम को टच करना पड़ेगा, हम वो करते हैं। हमने यहाँ बहुत सी मुश्किलात देखी, ये इलाका जो है बाबा ऋषि के हमसाय पसमानदगा है, न यहाँ ऑर्चर्ड है, न यहाँ पैडी लैंड है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ टूरिज्म का थोड़ा बहुत था, और यहाँ से अब इन गांवों में टूरिज्म का भी उतना असर नहीं है जितना कि उधर गुलमर्ग के नज़दीक तरीन जो टंगमर्ग साइड राइट बेल्ट जो है। मगर बदकिस्मती से कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल खामोश बन के पड़ी है, यहाँ का सुनता ही नहीं है कोई। यहाँ मैंने देख लिया कि यहाँ जो पावर की सप्लाई इंतहाई खराब है। मैं बहुत हैरान हुआ यहाँ पर ये देखकर कि ग्रिड स्टेशन जो है वो आता है गुलमर्ग से ग्रिड का यहाँ तक किलोमीटर जो हिली टेरेन है, हिली टेरेन में बहुत मुश्किल है कि ये पावर लाइन सस्टेन हुए, क्योंकि जंगल में और बाकी स्नोइंग होती। मैंने देख लिया कि बिल्कुल यहाँ पर एक रिसीविंग स्टेशन इस इलाके के खास गांव जहाँ मान लू मैं ही मेरे ख्याल बेहतर है, बाकी गाँव को एडजस्ट करके यहाँ पहले रिसीविंग स्टेशन दिया जाए, उसके बाद यहाँ का थोड़ी पावर सप्लाई अच्छा रहे। मैं आपको इस बारे में जो मैं यहाँ पर फीडबैक आ गया अपने इन गाँव के लोगों से, वो मैंने देख लिया कि जब हजरत बाबा पयामदीन ऋषि साहब की सरपरस्ती में चल रहा था, यहाँ एक वक्फ का बोर्ड ने एक स्कूल खोला, उस वक्त वक्फ बोर्ड ने एक कमिटमेंट दी थी कि क्योंकि ये नज़दीक तरीन गाँव है, बैकवर्ड एरिया है, इन लोगों को एजुकेशन देने के लिए, इन स्कूलों को एजुकेशन देने के लिए हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे। मगर बदकिस्मती से आहिस्ता आहिस्ता वो सिस्टम इन्होंने चेंज किए, अब इस वक्त यहाँ हालात ऐसे हैं, यहाँ बहुत मुश्किल हैं, इकोनॉमिकल पोजिशन बहुत ख़राब है। अब ये हालात ये हैं कि इनको फीस नहीं है, इस वक्त फीस इतना नहीं है कि वो भर सकते ही नहीं। मेरे माँ बहनों ने अपने जुमके भेजे जो मैंने यहाँ हाल देखा, और बाकी जो अफराद हैं उन्होंने अपने कर्जा से लिए पैसे। अगर ये इतना बड़ा है, इतना सोर्स ऑफ इनकम है, ये स्टेट को चलाएगा, अब एक गाँव की नज़दीकी का स्कूल को क्यों नहीं? स्कूल में उसातेज़ा किराम का हमें एहतराम है, वो बात नहीं है, वो अच्छी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम है, मगर इन जब फीस ही नहीं है कहाँ से देंगे? लोगों में फीस ही नहीं है। अगर उस वक्त वक्फ बोर्ड ने हमें दिया था, ये वादा दिया था कि हम एज गिफ्ट हम यहाँ स्कूल चलाएंगे, यहाँ के लड़के पढ़ेंगे, वो ठीक था, अब आज कहाँ से फीस लाएंगे? मेरी इल्तिमास होगी, मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नर इंतजामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन, बिलखसूस SDM टंगमर्ग से, कि वो फौरी तौर इसमें ज़ाती मुदाखलत करके हुकाम आला तक ये पहुँचाए, और इनको फीस माफ़ किया जाए, क्योंकि वो एरियर्स ने आइंदा भी और जो फीस भरना होगा वो कम देंगे, कम की फीस पर ही चलना चाहिए। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे कश्मीर क्राउन के साथ, और अपने मेजबान अशरफ राही को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगेबान। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत, हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब।
बे औलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।